बीटी अभ्यर्थियों ने सरकार से रिजल्ट जल्दी करने की मांग की है और अपना दर्द बयां किया। दरअसल बिहार बोर्ड ने 28 जनवरी को आयोजित एसटीईटी परीक्षा को रिजल्ट आने से ठीक पहले मई में कदाचार का हवाला देकर रद्द कर दिया था। बोर्ड ने कहा था कि जल्द ही दोबारा परीक्षा ली जाएगी, लेकिन कोरोना काल में शिक्षक बहाली के इंतजार में बैठे 2.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए अब तक परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में परेशान अभ्यर्थी अब सीधे रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात की सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में 28 जनवरी को एसटीईटी की परीक्षा ली गई थी, जिसके बाद बिहार बोर्ड ने कहा था कि कहीं भी कदाचार नहीं हुआ, लेकिन उसी बोर्ड के द्वारा मई माह में यह कहकर परीक्षा रद्द की जाती है कि परीक्षा में कदाचार हुआ था। ऐसे में परीक्षार्थी परेशान है, क्योंकि 3 माह से ज्यादा हो गए परीक्षा रद्द हुए, लेकिन अब तक ना तो परीक्षा की तिथि जारी की गई है और न ही रिजल्ट को लेकर कोई जवाब दिया जा रहा है। हम सीधे बात करते हैं, अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है कि अब आप लोग परीक्षा चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं? हम लोग रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि इस परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार नहीं हुआ था, बिल्कुल स्वच्छ परीक्षा हुई थी। और एक बात और है कि अभी इस कोविड-19 जैसे सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम लिया जा सके, इसलिए हम लोग बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम लोग को सरकार से डिमांड है कि सरकार हम लोग का रिजल्ट जारी करे और हम लोग की परेशानी को समझे। क्या लग रहा है, बिना परीक्षा लिए बिहार बोर्ड फिर से रिजल्ट जारी करेगा? जी, हम लोग की सरकार से यही डिमांड है कि बिहार बोर्ड को जारी करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि इस परीक्षा में किसी प्रकार का कोई कदाचार नहीं हुआ था। ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, परीक्षा के दूसरे दिन आनंद किशोर जी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस को ये बताया था। को लेकर कोई वार्ता हुई आप लोगों की? कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन हम लोग हमेशा सरकार के पास आवाज लगा रहे हैं। आवाज को विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई आवाज नहीं आई है। क्या परीक्षा भी ली जाएगी? नहीं सर, हम लोग परीक्षा के उद्देश्य में नहीं, हम लोग रिजल्ट के उद्देश्य में, क्योंकि हमारे जो आनंद किशोर यादव जी है उन्होंने खुद कहा है कि नहीं पर्चा लीक हुई है, ना क्वेश्चन वायरल हुई है, और जो भी एग्जाम है जयमर के तहत से हुआ था, बायोमेट्रिक हुई थी, इसलिए हम लोग को सिर्फ रिजल्ट चाहिए सर। सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं? यस सर। बिल्कुल, जो परीक्षार्थी है वो जान रहे हैं कि परीक्षा में कदाचार नहीं हुआ था, जबकि बिहार बोर्ड का कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई थी, कदाचार हुआ था, जिसकी वजह से परीक्षा तो रद्द कर दी गई। लेकिन फिलहाल जो राज्य में हालात है, कोविड-19 को लेकर परीक्षा लेना संभव नहीं है। ऐसे में बहाली का इंतजार कर रहे जो अभ्यर्थी है लगातार टकटकी निगाहों से सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर बोर्ड परीक्षा ले तो फिर कैसे ले? ऐसे में रिजल्ट जारी करना ही एक विकल्प दिख रहा है। कैमरामैन की सरकार हम लोग का रिजल्ट जारी करे और हम लोग की परेशानी को समझे। क्या लग रहा है, बिना परीक्षा लिए बिहार बोर्ड फिर से रिजल्ट जारी करेगा? जी, हम लोग की सरकार से यही डिमांड है कि बिहार बोर्ड को जारी करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि इस परीक्षा में किसी प्रकार का कोई कदाचार नहीं हुआ था। ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, परीक्षा के दूसरे दिन आनंद किशोर जी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेस को ये बताया था। को लेकर कोई वार्ता हुई आप लोगों की? कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन हम लोग हमेशा सरकार